पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज सालारे जंग म्यूजियम में एक इजलास मुनाकिद करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले बासर अफराद के साथ ईद मिलादुन नबी को पुरअमन बनाने पर तबादला ख्याल किया है। सरकार की महफिल के जन्नत के है या रब्बी हबली उम्मती दिन रात ये कह दिन रात ये कह कहे या रब्बी हब ऐ मांगने वालों ऐ मांगने वालों। इन सब चीजों के ऊपर न तो हमारा अख्तियार है, न आपका, न किसी का। समय एक बड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये समझ, इसकी अहमियत बहुत जरूरी है हमारे अंदर, बहुत अंदर, बहुत जरूरी है। और शायद कोई नहीं, सब में कुछ ना कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ। हर साल की तरह मिलादुल नबी की तैयारी के लिए हैदराबाद पुलिस के तरफ से एक छोटी सी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग, सभी उलेमा, ओल्ड सिटी के, ईस्ट जोन के, वेस्ट जोन के, सभी जगह से, और हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी अफसरान आकर यहाँ गुफ्तगू किए। ये 12th ईयर है, 12वां साल है जब हैदराबाद में मिलादुल नबी के जलसे की तैयारी हो रही है। और मिलादुल नबी के लिए जो जुलूस, प्रोसेशंस निकलते हैं, उसके बारे में डिपार्टमेंट के तरफ से जो भी तैयारियां की गई हैं, ट्रैफिक अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, बल्दिया के तरफ से जो लाइट या बाकी सब चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हर चीज़ हम लोग पहले से बेहतर करेंगे। इस तरीके के जलसे में हमारे ऊपर जिम्मेवारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी एक खुशी का एहसास भी होता है कि हम लोग सब मिलकर नबी की शान में जो ये फंक्शन है उसमें शरीक होकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं। ऐसे मौके पे मैं खास करके नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हर साल कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को चोट लगती है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के कारण। मैं बहुत सभी लोगों से अपील करता हूँ कि नबी की शान में अगर आप बाइक तेज चलाते हैं तो उनकी शान में कमी होगी हमारे हिसाब से। अगर आपको चोट लगती है, अगर आपके कारण किसी और को चोट लगती है, तो ये सेलिब्रेशन का सही तरीका नहीं है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं, खास करके जो बाइक पर रहते हैं, कि आप बिल्कुल संयम से चलाएं बाइक, हेलमेट पहनकर चलाएं बाइक, ट्रिपल लोडिंग नहीं करें बाइक पर। यह आपके अपने हित में है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पाबंदी है, यह सोचकर नहीं उसको समझें। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आपसे ज्यादा उसकी अहमियत देश को है, आपकी जरूरत हैदराबाद शहर को है। अभी आप नए उम्र के हैं, आने वाले 40 साल आप मेहनत करके देश को बहुत कुछ देंगे, शहर को बहुत कुछ देंगे। ऐसे मौके पे जो भी रूल्स, रेगुलेशंस हैं, कायदे कानून हैं, उन सबको जरूर आप फॉलो करें। आज की मीटिंग के लिए मैं सभी बुजुर्गों को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां आकर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की, और उनके आने से हमारे सभी ऑफिसर बहुत खुश होते हैं। उनके विचारों को सुनकर, उनकी तकरीर को सुनकर एक नया जोश, एक नई समझ आती है।
जिससे हम लोग सब मिलकर सोसाइटी को, हैदराबाद शहर को और बेहतर और खुशहाल और प्रॉस्परस बनाते हैं। थैंक यू।